सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम। दोस्तों, आज नागपड़ा MIM ऑफिस में साबिक प्रेसिडेंट फैयाज, एक्स MLA फैयाज अहमद खान और उनके लोगों ने कुछ नाराजगी जताई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, इम्तियाज जलील और हैदराबाद के MLA अहमद बलाला ये लोग भी आए थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और शायद कुछ टिकट का आने वाले चुनाव में कौन प्रत्याशी भाई खल्ला से होने वाला है वो होने वाला भी था और कितने कैंडिडेट महाराष्ट्र से लोग उतारेंगे ये सब का भी होने वाला था ऐलान। लेकिन ये ऐलान होने से पहले ही कुछ नाराजगी हो गई मुंबई प्रेसिडेंट फैयाज अहमद खान की, जिन्होंने आते ही साथ अपनी स्पीच तो दी, स्पीच देने के बाद उन्होंने मंच छोड़ के चला गया और जाते साथ ही उनके जो आदमी थे, उनके चाहने वाले लोग थे, उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आज हम फैयाज भाई के साथ ही रूबरू बात करेंगे कि ये भाई किस चीज के बारे में ये हंगामा हुआ। तो फैयाज भाई, ये जो हंगामा हुआ वो किस चीज के बारे में हुआ? देखिए, हंगामा जो हुआ है ये बच्चों का जज्बात थे, उन लोगों ने हंगामा किया। इसको मैंने बाकायदा बच्चों को बाहर लेकर गया। मैं बात ऐसी कि आपको पहले करेक्ट करूं, मैं पहले इम्तियाज भाई ने अपनी स्पीच किया, फिर अहमद बलाल ने स्पीच किया, फिर वो जनाब अपना क्या नाम उनका लश्करी ने स्पीच किया, उसके बाद माइक मेरे पास आया जिसके अंदर साफ लफ्जों से लोगों ने कह दिया था कि भाई कल्ला काशी कुंजी फैयाज अहमद साहब उम्मीदवार हैं। ये बात कह दी गई थी और इसीलिए मुझको वहां से हटाकर पद से हटाया गया। इस बात को लेकर मैंने इतराजात जाहिर किया मैंने, और मुझको पसंद नहीं क्योंकि ये खुद इनका बोलना था कि एक ही सीट जीत रहे हम लोग यहाँ पर, वो है भाई कल्ला, और भाई कल्ला के बगल में हेड ऑफिस है और बम्बई का सदर हूँ, और सदर के हिस्से से लड़ना एक अलग नीयत का असर पड़ता है, सदर के न होने की लड़ना एक असर पड़ता है। और पहली चीज तो मुझको वहां पर मालूम पड़ा कि ये लश्करी साहब है जिनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है। अच्छा, तो आपको मालूम भी नहीं? बात ऐसी है कि इम्तियाज भाई 4-5 दिन पहले आए थे, हम लोगों ने स्वागत भी किया था, आए थे, मुलाकात भी कर गए। उन्होंने मुझसे कहा कि फैयाज भाई, आसर साहब ने बात बोला है कि दो में से एक पद पे रहेंगे आप, चाहे टिकट लें आप या आप पद छोड़े आप, समझे ना। मैंने कहा कि मैं सोचूंगा, मैं बोलू उसके पास, हाँ ना, कुछ बोला नहीं मैंने। ये डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और आगे प्रेस को मुखातिब करना, कैडर के सामने मुखातिब करना, ये गलत बात है। मैं 5 साल से यहाँ पर, पार्टी खत्म हो गई थी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बनाया मैंने, तालुका बनाया मैंने, वार्ड लेवल बनाया मैंने, और बॉडी को स्टेब्लिश करने का मैंने काम किया, और मैं अपना काम कर रहा हूं मैं, ताकि अपनी जमीन को हमवार कर सकूं मैं। और जो जमीन हमवार होने पर है तब आपने अध्यक्ष बदल दिया मेरा भाई। आप जानते हैं कि मैंने रैली किया था ड्रग्स के खिलाफ, बहुत कामयाब रैली थी वो ड्रग्स के खिलाफ थी। वो मुल्क को, समाज को, सोसाइटी को बचाना था, नस्लों को बचाना था, उसके लिए मैंने किया और बहुत ही कामयाब रैली थी। शायद उस चीज से भयभीत होकर भाजपा और शिंदे जी लोगों ने ये काम करवाया है जिसके अंदर वाइस प्रधान का भी हाथ हो सकता है। अच्छा, वो ये जो अभी MP का इलेक्शन गुजरा है वहां से वर्षा गायकवाड़ के सामने MIM ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, जबकि आप लोगों ने, आपने तो खुले अल्फाज में एक लेटर लिख के दे दिया था सर साहब को कि यहां से हम लोग मुंबई में लड़ने की पोजीशन पे नहीं है MP की, तो आपको बिना बताए खड़ा किया गया था वहां का कैंडिडेट किस? जब उसको खड़ा किया गया उसी रात को मैंने एक लेटर उनको फैक्स किया जिसमें बात मैंने वाजे तौर पर लिखी थी कि हमारे पर बी टीम का आरोप लगता है और ये चीज से बी टीम कंफर्म होती है, इसको विड्रॉ करें आप, क्योंकि वारिस पठान ने ना तालुका अध्यक्ष, ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ना यूथ, ना वार्ड, कोई भी बंदे से राबता नहीं कायम किया, ना मुझसे पूछा गया, ना बताया गया, समझे ना। और डायरेक्ट जाके 3 बजे उसने वहां पर फॉर्म भर के डिक्लेयर किया। अगर लड़ना था तो वारिस को खुद लड़ना चाहिए था, वहां पर रिजवान चौधरी आने की जरूरत ही नहीं थी वहां पर। तो ये मुझको इससे ये साबित होता है कि कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग की वजह से उसको खड़ा किया गया और वो खड़ा करने में वारिस मियां का हाथ है। ये भी वारिस मियां का हाथ हो सकता है? इम्तियाज जलील और वारिस मियां दोनों एक ही है, दोनों साथ ही में MLA बने थे। जो फॉर्म आया है, फॉर्म जो है, तो इम्तियाज जलील ने भेजा फॉर्म, इम्तियाज जलील को पता है,
वॉइस में पता है, सबको पता है कौन क्या है क्या नहीं। और पहली चीज तो आदमी जब खड़ा हुआ है हा? तो उसके प्रचार में आना चाहिए ना सबको। तो कोई नहीं आया असल, कोई प्रचार में नहीं आया मेरा भाई। 1500 वोट लिया उसने, पूरी MIM पार्टी ने उसकी मुखालफत की, कुछ लोगों ने बाकायदा तौर पर रिजाइन किया है उस चीज को लेकर, क्योंकि उस वक्त लाई थी देश के संविधान को बचाने की, समाज को बचाने की, उसके लिए हम सब एक तरफ थे, चाहे वो सेना थी या कोई भी थी। हमने जाके दिल पत्थर के जाके वोट डाला और आपने देखा है किस तरीके सेना ऐसी जीती है। आज का जो हंगामा हुआ है उसके ऊपर आप वारिस पठान के ऊपर की तो साजिश नहीं दिख रही है क्या? मेरा भाई देखो, वारिस मियां जब से बने हैं, जब से वो आमदार बने हैं, और मैं 5 साल हो गया मुझको बन के, 4 मरतबा हेड ऑफिस पे आया वो आदमी, ना एक पैसे की मदद किया, ना एक आदमी को ज्वाइन कराया उसने, लेकिन हर बड़ी जगह पे वो मौजूद रहता है। लास्ट टाइम औरंगाबाद गए थे हम लोग, औरंगाबाद के अंदर जो वसत साहब भी मौजूद थे, उस वक्त साहब ने बोला कि भाई कल का क्या, तो उसके अंदर बाकायदा तौर पर कहा कि मैं लड़ूंगा, तो मैंने कहा कि मैं लड़ूंगा वहां पर, मैं लड़ूंगा बाकायदा, मैंने बाकायदा कहा मैं लड़ूंगा वहां पर, समझे ना, ये बात हुई। तो मतलब ये सिर्फ बड़े लोगों के चक्कर में रहता है, बाकी नीचे किसी की परवाह करता नहीं है, ना किसी को देखता ना कुछ ना। तभी तो साहब को माफी मांगनी पड़ी मेरा भाई यहाँ पर ना है। और जो आदमी पब्लिकली नहीं है हाँ, उसको आप इस तरह इतना चेंज कर रहे हैं मेरा भाई, सेवा समझ नहीं आती अपने मेरा भाई। अब क्या भाई, अब कौन सी पार्टी से जाएंगे आप? देखिए मेरा भाई, मैं इस पार्टी में इसके लिए था, इसका नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। ये कमजोर तबके की, मुसलमानों की, दलितों की पार्टी थी, उनकी आवाज थी, उनकी पहचान थी, उनकी शनाख्त थी। इसके विपक्ष के लोग के इशारे पे काम चल रहा है मेरा भाई। आज एक बिल्डर को लें, बिल्डर कहाँ लड़ेगा, कहाँ भिड़ेगा, क्या बात करेगा, वो तो पुज्जी की लगेगा, इस पे लगेगा मेरा भाई वो। और आप मुझको बुलाकर डायरेक्ट वहां पे बात करोगे, ये आदमी ऐसा 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 है, थोड़ी चलेगा मेरा भाई। मैं एक जिंदा इंसान हूँ, बदन में खून है मेरे, जिसमें हारा थे बदन में मेरे, थोड़ी बर्दाश्त करूंगा मेरा किसी आदमी को। मैं कहीं पर गलत बताओ ना मेरा भाई, मैंने कोई गलती की बताओ ना, कहीं चोरी की बताई ना, कहीं करप्टिया की बताई ना। मैं आपके पास चोर चमार की टोली बैठी हुई है, उसको आप कुछ नहीं कर रहे, मुझको बदल रहे मेरा भाई, तो ये बात तो नाजायज है। बस। रोल। देखा गया कि वारिस पठान और देवेंद्र फडणवीस का संबंध बहुत अच्छे रहे हैं 2014 से लेके अब तक। तो वारिस पठान जो है भाई खल्ला से जो है शिंदे गट को या बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने के लिए तो ये साजिश नहीं रची है? देखिए सब जानते हैं आप, कौन किसके साथ में है, कौन क्या करता है, सब पता है। किसी बच्चे से पूछोगे वो जवाब दे देगा आपको इस बात से। आदमी मजलिस में रहकर उसका चोला ओढ़कर भाजपा के लिए काम करने वाला व्यक्ति है वो, सिंधी गट के लिए काम करने वाला व्यक्ति है वो, सिर्फ बोलने से काम अच्छा नहीं होता है, वो आदमी का किरदार होना चाहिए। और उसका किरदार मदनपुरी की आवाम बखूबी जानती है, वो किस तरीके का आदमी है वो। उसको 5 साल हमने झेला है और फिर असद साहब के बोलने पर 1000 वोट दिया, लेकिन उस आदमी ने कभी भी पलट के मुसलमानों को कभी खैर खैरियत नहीं लिया उसने। तो ये शख्स जो है सिर्फ कौम को बेचने का काम कर रहा है, और उसके साथ में एक पूरी टोली है, और टोली मिलकर काम कर रही है, और कुछ बोलना नहीं मुझे उसके ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने इम्तियाज जलील से कुछ सवाल किया था कि आप भी प्रेसिडेंट थे, फिर भी उसके बावजूद जो है आपने MP का इलेक्शन लड़ा, तो उन्होंने जवाब में यह कहा कि असद भाई ने दिल बड़ा किया, मैंने इस्तीफा तो दे रहा था लेकिन असद भाई ने दिल बड़ा किया। तो मैंने उनको काउंटर सवाल ये कर दिया कि आप भी दिल बड़ा कर देते। फिर मेरा एक आखिरी सवाल ये हो गया था वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते होते कि मतलब आखिरी सवाल ये कि आप भाई खल्ला से इम्तियाज जलील या वारिस पठान, तो आपको क्या लगता है? देखिए मैं एक बात बोलता हूँ आपको, इम्तियाज भाई की बड़ी ख्वाहिश थी बंबई शहर पे राज करने की, और मेरे होते हुए पॉसिबल नहीं था। 2 मीटिंगों में ना साहब के सामने बोला कि मुझको बंबई शहर चाहिए, बंबई शहर को जिम्मेदार बना दो आप, या साहब नहीं बनाया उसके। तो उसने शेरन रच के पूरा काम किया उसने। और जहां तक बात है भाई खल्ले की, तो वारिस क्या, दोनों एक साथ एक ही सीट पे आ जाओ, इम्तियाज भी लड़के देख लो, वॉइस प्राइम लड़के देख लो किसमें कितना दम है, वो पता चल जाएगा इंशाल्लाह।